छत्तीसगढ़ में अब तक बघेल सरकार पर जो कि कांग्रेस और बीजेपी ही हमलावर थे, लेकिन अब मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी भी सरकार को घेरने लगी है। रायपुर में आम आदमी पार्टी ने सूपे बेड़ा मुद्दे को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सूपे बेड़ा सहित 9 गांव को सरकार आज तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा, प्रदेश सरकार एक तरफ गड़बड़ नवा छत्तीसगढ़ का ढोल पूरे प्रदेश में पीट रही है, लेकिन गांव के लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। शुद्ध पेयजल को लेकर आम आदमी पार्टी की टीम ने 27 फरवरी को सूपेपुरा जाकर हालत का जायजा लिया था। इस दौरान ग्रामीणों को सुविधाएं न मिलने की बात सामने आई। ऐसे इसे लेकर आम आदमी पार्टी 9 मार्च को मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करने की रणनीति बना रही है। और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गई है रायपुर संवाददाता निधि प्रसाद। निधि, छत्तीसगढ़ की सियासत में जिस तरह देखा जाए, मुद्दों की तलाश में विपक्ष लगातार बैठा रहता है, और ऐसे में बीजेपी की बात हो या जो कि कांग्रेस को लेकर बात की जाए, लगातार मुद्दों को उठाने की कोशिश की जाती है और सरकार पर हमलावर होती ये पार्टियां दिखाई दे रही थी विपक्ष में रूप में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। निरीक्षण किया जाता है और समस्याओं मुद्दों को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा जाता है, क्या कहीं से लेकर तो आम आदमी पार्टी ने भी आज सूपे बेड़ा के मुद्दे को उठाया है। अगर हम बात करें तो विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर सदन काफी गरमाया नजर आया, लेकिन वहीं आज आप पार्टी में ही सूखे बेड़ा में किडनी का मामला हुआ था कि लोगों के पानी पीने की वजह से किडनी खराब हो जा रही है और इस वजह से कई लोगों की मौत भी हुई। तो इस मामले को लेकर अब 9 मार्च को सभी कैबिनेट मंत्रियों से मिलने की रणनीति तैयार कर पार्टी के लोग, पर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार की लापरवाही है। अगर बात की जाए तो अभी भी दंतेवाड़ा के लोगों को पीने का साफ पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाया है और यही कारण है साफ पानी नहीं मिलना और लोगों की किडनी खराब होना। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्रियों का बयान आया है, जिसमें अगर बात करें तो पीएचई मंत्री का कहना है कि पानी की वजह से ये मौतें नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पीने के पानी की वजह से ही किडनी की बीमारी से लोग जूझ रहे हैं। तो इस तरह से क्या मंत्रियों के आपस के बयानबाजी वो अपनी सहमति से नहीं देते, एक मंत्री कोई दूसरी बात कहता है, दूसरा मंत्री कोई दूसरी बात कहता है, तो क्या है आखिरकार परेशानी, क्या है दिक्कत? और इन सारी चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी के लोग जो सदस्य है, जो कार्यकर्ता है, वो 9 मार्च को कैबिनेट के सभी मंत्रियों से मुलाकात करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए हमें कोई बड़ा या बृहद स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि ये एक इंसान की मौत का सवाल नहीं है, कई जाने इस बीमारी से गई हुई है, लेकिन अभी भी राज्य सरकार के बीच केवल बयानबाजियां चल रही है, इसको लेकर किसी तरह का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निधि।